गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुराधा, मैं फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? कश्मीरी सेब के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि जब भी आप खरीदने बाजार जाते हो तो आपको सावधानी से खरीदना चाहिए, नहीं तो दुकानदार हमें धोखा दे सकते हैं। बच्चों, जब प्रेमचंद जी बाजार गए थे तब वहां के दुकान में रंगदार गुलाबी सेब देखकर उनका जी ललचा उठा और इसीलिए उन्होंने क्या है, वहां के दुकानदार के पास जाकर सेब खरीदना चाहा। जब वो ले दुकानदार कहता है कि रंगदार गुलाबी सेब कश्मीर की सेब है, खाकर देखिए, बहुत मजा आ जाएगा। तब लेखक क्या है, उसकी चिकनी चौकनी बातों में आकर लेखक यानी प्रेमचंद जी उसके पास आधा सेब खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तब वो क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, अपने पास का रुमाल जो है वो उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि अच्छे सेब आधा सेब दीजिए। तभी दुकानदार क्या करता है, वहां के सेब जो थे वो चुन कर उन्हें उस पैकेट में यानी लिफाफे में डालकर रुमाल में बांधकर लेखक प्रेमचंद जी को दे देते हैं। जैसे ही दुकानदार उन्हें लिफाफे में जो सेब बांधकर देता है वो लेकर प्रेमचंद जी घर जाते हैं और वो टेबल पर रख देते हैं। और जब सुबह वो हाथ मुंह धोकर टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तब उन्होंने सेब खाने के लिए निकाला, क्योंकि रात को कोई फल खाना ऐसा कोई कुछ कायदा नहीं है, इसीलिए वो सुबह उठते ही जब वो नाश्ता करने टेबल के पास आते हैं, तब वो एक सेब खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन वो सेब क्या है, 1 रुपए का छिलका गला हुआ था। दूसरा निकाला तो दूसरा आधा सेब सड़ा हुआ था। तीसरा बिल्कुल एक तरफ से पिचक गया था। और चौथा निकाला तो वो क्या है, देखने में तो अच्छा था, बेदाग था, लेकिन जब उन्होंने खाने के लिए काटा तो उसमें क्या था, बैलों में जिस तरह सुराख रहता है, काला छेद रहता है, उसी तरह क्या है, इस चौथे सेब में भी क्या है, एक छेद था। अंदर बाहर से अच्छा था सेब, लेकिन अंदर क्या हुआ था, काले काले धब्बे पड़े हुए थे। इस तरह चारों के चारों सेब क्या है, वो खाने लायक नहीं थे। जैसे ही सेब खाने लायक नहीं पता चला प्रेमचंद जी को, तो प्रेमचंद जी को क्या लगा, शायद मुझे दुकानदार ने धोखा दिया है। इतना हम लास्ट पीरियड यानी लास्ट अवधि में देखा था, पिछले अवधि में, अभी हम आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे। एक सेब भी खाने लायक नहीं था, चार आने पैसा तो इतना गम नहीं था जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक वो सेब के लिए चार आने जो दिया था उसके बारे में उन्हें दुख नहीं था। गम याने दुख, चार आने पैसे का दुख नहीं था, गम नहीं था, लेकिन इस समाज में किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह धोखा देते हैं, इसके बारे में उन्हें बहुत ही क्या है, दुख हुआ।
दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेट सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी नजर न पड़ी होगी। लेखक क्या कहते हैं, अगर एक सेब सड़ा हुआ निकला तो चलता था, शायद उसके समझ में नहीं आया होगा और उसने जानबूझकर ऐसे नहीं किया होगा, ऐसे सोचकर या उसकी नजर नहीं पड़ी होगी, इस तरह सोचकर लेखक चल सकता था, ऐसे कहते हैं। लेकिन चारों के चारों सेब जब वो खाने लायक नहीं थे, सड़े हुए थे, पिचका हुआ था, दाग का सुराग था, देखकर लेखक मान जाते हैं कि जानबूझकर दुकानदार ने मुझे धोखा दिया है। मगर चारों के चारों सेब खराब निकले। यह तो साफ धोखा था, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। लेखक क्या कहते हैं, दुकानदार ने मुझे धोखा दिया है तो इसमें मेरा भी सहयोग था। क्यों? क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए। तो यहाँ दुकानदार की भी, दुकानदार ने धोखा दी है और प्रेमचंद जी भी की क्या है गलती थी। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। दुकानदार उसे धोखा देते हैं, लेकिन इसके लिए लेखक भी बहुत जिम्मेदार थे। उन्होंने दुकानदार के पास क्या है रुमाल दे दिया। जब भी हम खरीदने जाते हैं तब हमें ही उस चीज की परख करनी चाहिए और क्या है लेना चाहिए। उसने बाफ लिया, बाफ लेना यानी पहचान लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है। दुकानदार समझ जाते हैं कि जैसे ही प्रेमचंद उनके हाथ में रुमाल देते हैं तब दुकानदार क्या है समझ जाते हैं कि यह आदमी क्या है, इस आदमी को हम धोखा दे सकते हैं। दुकानदार ने बाफ लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। प्रेमचंद जी ने गलती की, उस गलती से दुकानदार ने देखो कितने झट से पहचान लिया कि यह आदमी एक बार चीज लेके गया, कोई सामान खरीद कर लेके गया है तो वो वापस देने नहीं आएगा, ऐसे दुकानदार लेखक को देखते ही पहचान लेता है। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आदमी कब बेईमान करता है, वो मौका ढूंढते रहता है, जैसे ही मौका मिलता है वो क्या करता है हमें बेईमान करता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से या बेईमानी में सहयोग देना है। लिखे पड़े बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। लेखक क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति है या कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो सरकारी ऑफिसर है या किसी थाने या कचहरी म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़े से बड़े हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। अगर सरकार ने या सरकारी कार्यालय में हमें किसी ने धोखा दिया तो हम दोबारा नहीं जाते,
क्योंकि वो बार बार हमें एक ही काम के लिए बार बार वो क्या है बुलाते रहते हैं। इसीलिए सरकारी कार्यालय से किसी ने अगर धोखा दिया तो हमें वो क्या है बार बार जाने पर ही कुछ उससे हमें कुछ फायदा नहीं होता। पहले ऐसा नहीं था, यानी पहले के जमाने में वैसा नहीं था। वैसे दुकानदार जब धोखा देते हैं वैसे व्यापारियों की साख बनी हुई थी। व्यापारियों की साख, साख यानी लेन देन, व्यापारियों की साख बनी हुई थी यानी लेन देन उनका क्या है अच्छा था। यूं तौल में चाहे छटा का आधा छटा कस ले, लेकिन आपने पांच की जगह भूल से दस के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। पहले के दुकानदार इतने अच्छे थे कि उन पर हम विश्वास कर सकते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। दुकानदार मौका ही ढूंढते रहते हैं कि जब उन्हें कब उन्हें धोखा दे। इसीलिए हमें भी क्या है जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हमें सावधानी से खरीदना है। तो तौलने में पहले के दुकानदार व्यापारी क्या करते थे, तौलते समय वो क्या करते, चाहे तो थोड़ा कम देते, लेकिन हम 5 रुपए के जगह 10 रुपए दे आए तो भी वो हमें क्या है वापस देते थे। यो तौल में चाहे छटा का आधा छटा कस ले, यानी छटा यानी 1/4 kg से थोड़ा कम, लेकिन आप उन्हें चाहे 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे देते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए वहां सुरक्षित थे। मुझे याद है, यानी लेखक को एक प्रसंग याद आ रहा है, कौन सा वो देखेंगे। एक बार मैंने यानी लेखक मोहरम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी। एक बार लेखक मोहरम के एक दुकान में क्या किया, लेखक ने 1 पैसे की उन्होंने क्या है रेवड़िया, रेवड़िया यानी मीठा पदार्थ मिठाई, 1 पैसे की उन्होंने रेवड़िया ली थी और पैसे के जगह 8 दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गए। जब लेखक रेवड़ी लेकर वो घर चले गए, घर जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि मैंने 1 पैसे की जगह 8 देकर आए थे। 8 ने 50 दे आए हैं। घर आकर जब उन्हें पता चलता है तो वापस वो दौड़ते हुए दुकानदार के पास चले जाते हैं। आशा नहीं थी कि वह 8 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से उन्हें 8 लौटा दी और उल्टे उस दुकानदार ने ही क्या है प्रेमचंद जी से क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच रहे थे। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर चीजें खरीद लेना, मत आंखें बंद मत करना, यानी आपको सतर्क रहकर सावधानी से आपको क्या है चीजें खरीदनी है, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी से भी मिलेंगे।
नहीं तो जिस तरह लेखक को धोखा दिया उसी तरह हमें भी क्या है कश्मीरी सेब मिलेंगे। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं, अगर आप खरीदारी करते समय बाजार जाते हो तो आपको सतर्क रहकर सावधानी से आपको क्या है चीजें खरीदनी है। इस तरह कश्मीरी सेब पाठ से प्रेमचंद ने हमें क्या क्या जानकारी दी है कि धोखेबाजी क्या है, बाजार में जब हम खरीदने जाते हैं तब हमें लोग धोखा देने के लिए वही मौका वो ढूंढते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहकर सावधानी से चीजें लेनी है। बच्चों यह है कश्मीरी सेब। मैंने आपको प्रेमचंद की लेखक के बारे में लास्ट अवधि में यानी पिछले अवधि में क्या है लेखक का परिचय लिखा था, तो आपको क्या करना है कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक जो है प्रेमचंद जी के बारे में परिचय लिखिए। और जो जो सब्जियां हैं और या फल है या फल और सब्जियां जो हमें सेहत के लिए अच्छे है उनका एक आप क्या है चार्ट बनाइए, सूची बनाइए, चार्ट बनाइए कौन सा फल और उस वो सेहत के लिए कैसे हमें उपयोगी है, किस तरह उपयोगी है, कौन से सब्जी या फल से किस तरह हमें प्रोटीन या विटामिन या सेहत के लिए उसका क्या लाभ है उसके बारे में आपको क्या है एक सूची चार्ट बनानी है। देखो नेक्स्ट हम अवधि में फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।